हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशंस। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेली मर्रा में काम आने वाले बिजनेस के बारे में बात करेंगे। आप कैसे उस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आपको। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कपड़े के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। जो कपड़ा जो है वो एक बेसिक जरूरत है सब लोगों की, तो उसके बारे में बात करेंगे। आप अपना छोटा सा दुकान से लेके बड़े से बड़ा मॉल कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कहां से आपको कपड़े लेने चाहिए और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, उसके साथ आपको क्या फाइनेंशियल और लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बारे में भी हम आपको पूरा जानकारी देंगे। सो दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, कपड़े का बिजनेस शुरू करने से पहले आपके मन में एक ही ख्याल आया होगा कि कपड़ा कहां से लेके आए। सो देखिए दोस्तों, कपड़ा जो है सूरत, आपने जरूर नाम सुना होगा। सूरत में जो है आपका अजमेरा फैशंस करके एक कंपनी है, हालांकि उनकी खुद की एक फैक्ट्री है जहां से वो हर तरह के कपड़े जो है वो बनाते हैं। वो आपके लेडीज मटेरियल, आपका साड़ी हो, सूट हो, लहंगा हो, आपके शादी के मटेरियल्स हो, सारे के सारे चीजें वहां पे बनती हैं। तो आप जो है इनको डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अजमेरा फैशंस का नाम आपने जरूर सुना होगा, आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी। और आप आज भी अगर इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे अजमेरा फैशंस के बारे में, तो आपको इनके बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। सो दोस्तों, अजमेरा फैशंस जो है वो कोई छोटा नाम नहीं है कपड़ों के मार्केट में। अजमेरा फैशंस का नाम बहुत बड़ा है, ये देश भर में अपनी दुकानें चलाते हैं, देश भर में अपने कपड़े जो है वो सप्लाई करते हैं। और दोस्तों, देश में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, और भी फॉरेन कंट्रीज में जो है ये अपने कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं। तो कपड़ा क्वालिटी हो, उसकी डिमांड हो, तो ये काफी अच्छी बनी हुई है। और उनका खुद का पूरा एक फैक्ट्री का सेटअप है सूरत में। सो दोस्तों, चलिए वीडियो के आगे चलते हैं, थोड़ा सा आपको कपड़े के बिजनेस के बारे में बताते हैं कि क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और फिर आपको बताएंगे कि आप अजमेरा फैशन से जो है अगर आप कपड़े मंगाते हैं तो आप कैसे मंगा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस के लिए लोकेशन बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो तो आपको इसे कैसे लोकेशन पे शुरू करना चाहिए। दोस्तों, कपड़े के बिजनेस के लिए जो आइडियल लोकेशन है वो आपका मार्केट में है। आपको अपने कपड़े का बिजनेस ऐसे लोकेशन में शुरू करना चाहिए जहां पे कि और भी कपड़ों की दुकानें हो। सो लोग जो है वो कस्टमर्स जो है वो रिटेल कस्टमर्स जो है वो ऐसे लोकेशन पे जाना प्रेफर करते हैं। और जैसे आपका शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, कोई स्पेशल इवेंट हो, तो लोग जो है वहां पे जरूर जाते हैं। दोस्तों, एक और सवाल जो आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि अगर कपड़े का बिजनेस करते हैं तो उसके लिए कितना एरिया चाहिए होगा। सो देखिए दोस्तों, कपड़े के बिजनेस में आपको कोई ऐसा डिफाइंड एरिया नहीं है कि आपको 500 स्क्वायर फीट में ही खोलना है, 1000 स्क्वायर फीट में ही खोलना है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप क्या रेंज ऑफ आइटम्स रख रहे हैं और आप कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो देखिए दोस्तों, जितना ज्यादा आप अपने रेंज बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगा। लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आप अजमेरा फैशन से जो है 25,000 रुपए के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इसको शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक और सवाल जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर वो कपड़े का व्यापार करते हैं तो इसमें वो कितना इनकम कर सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे अगर आप अजमेरा फैशन से कपड़े ले रहे हो तो वहां पे आपको 200 रुपए की साड़ी भी मिलती है, आपको 10,000 रुपए की साड़ी भी मिलती है। और कपड़े के बिजनेस में दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन जो है वो काफी अच्छा रहता है। अगर आप कोई और बिजनेस करते हो तो वहां पे हो सकता है आपको 8%, 10%, 12% का मार्जिन मिले, लेकिन कपड़े के व्यापार में आप 15%, 20%, 25%, 30% तक का भी मार्जिन आराम से कमा सकते हो। और ये जो है ये आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आप किस मार्केट में इसको ओपन कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और ऑब्वियसली आपके लोकल मार्केट के डिमांड के ऊपर भी निर्भर करेगा। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कैसे कपड़े रखने चाहिए या किस तरह के रेंजेस जो है आपको अपनी दुकान में रखना चाहिए। सो देखिए दोस्तों, आपको जो है अपने लोकल एरिया के अनुसार, वहां के जरूरत के अनुसार जो है अपने स्टोर पे कपड़े रखने चाहिए। और अगर इनकम की बात की जाए दोस्तों, तो देखिए इनकम जो है, अगर आप एक होता है कि जेंट्स में ओपन करें या हम लेडीज के कपड़ों में ओपन करें, तो यहाँ पे जो है लेडीज के जितने भी मटेरियल होते हैं, आपको सूट हो, सलवार हो, लहंगा हो, साड़ी हो, तो सबसे ज्यादा जो मार्जिन मिलता है आपको वो लेडीज मटेरियल पे मिलता है। सो दोस्तों, चलिए एक और चीज के बारे में बात करते हैं कि यदि आप अजमेरा फैशन से अगर कपड़े मंगाना चाहते हैं, अगर आप इनको ऑर्डर देना चाहते हैं,
तो क्या आपको सूरत आके ऑर्डर देना होगा? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, आप व्हाट्सएप पे वीडियो देख के, फोटोज देख के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका आता है वो 25,000 रुपए का आता है। आप ऑर्डर कर दो इनको, आप अपना एड्रेस बता दो और उसके बाद जो है पेमेंट आते ही जो है ये आपको सीधे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपके लोकेशन पे कपड़े कुरियर कर देते हैं। कुरियर के बीच में आपको कोई परेशानी नहीं आए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अजमेरा फैशंस की होती है। वहां पे आपकी कोई परेशानी, आपको किसी चीज की दिक्कत ना हो, ये अजमेरा फैशंस इसका ध्यान रखती है। दोस्तों अब सबसे आखिरी में सवाल आता है कि यदि आप एक कपड़े का दुकान खोल रहे हो या बिजनेस शुरू कर रहे हो तो उसमें लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? तो देखिए दोस्तों, आपको जो है एक शॉप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ये सर्टिफिकेट जो है आप लोकल म्युनिसिपैलिटी के साथ आराम से आपको मिल जाता है, बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो क्योंकि आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो सूरत से करेंगे, अजमेरा फैशन से मंगवाएंगे, तो वहां पे जो है आपको जीएसटी सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आप जो भी बिलिंग करते हैं वहां भी जो है जीएसटी सर्टिफिकेट आपके लिए काम में आएगा। सो दोस्तों आई होप आपको अजमेरा फैशन से, अगर आप कपड़े का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, क्या प्रोसेस है, कितना उसमें आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और दोस्तों अजमेरा फैशंस को आप कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वो डिटेल जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां पे जाके डेफिनेटली उनको कॉन्टेक्ट करें और आप कपड़े का बिजनेस में डेफिनेटली आए। सो दोस्तों इसके अलावा अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।